हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सर बुक में। दोस्तों, अगर आप बहुत सारी जगहों पे लोन के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं और आपको कहीं से जो है लोन नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पे आप अपना आवेदन डाल सकें और आपको वहां पे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन सजेस्ट किए जाएँ और आप उस अपने अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकें और इंस्टेंट लोन आपको वहाँ पर मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही थर्ड पार्टी सॉल्यूशन, एक ऐसे लोन प्रोवाइडर के बारे में जो आपको इंस्टेंट लोन, पर्सनल लोन लेने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इंस्टेंट लोन जो है मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो में इस लोन प्रोवाइडर के बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, कैसे अप्लाई करना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी और यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है अपलोड करना होगा। सो फ्रेंड, जिस लोन प्रोवाइडर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये एक थर्ड पार्टी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली इस लोन प्रोवाइडर का काम ये है कि जो भी लोन एप्लीकेशन आपका होता है, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे लोन प्रोवाइडर सजेस्ट करता है जिनसे इनका टाई अप है। वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देती है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट लोन जो है ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, इस लोन प्रोवाइडर का सिंपली फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अलग लोन एप्लीकेशन में जाकर जो है ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, आपको अलग अलग लोन प्रोवाइडर कंपनी सजेस्ट करेगी, फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा लोन प्रोवाइडर है जो आपके पर्सनल लोन लेने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे आप लोन को कंपेयर करते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है तो URL आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप इस URL की मदद से अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स की मदद से आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी अगर आपको जो है लोन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे टाई अप है इस लोन कंपेयर इंडिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बताने वाला हूँ। वो जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर देने हो सकते हैं या फिर हो सकता है आपको कम डॉक्यूमेंट पर भी आपको जो है लोन मिल जाए। तो कॉमन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो एज है वो कम से कम 21 ईयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 55 ईयर्स तक हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास रेगुलर इनकम का सोर्स होना चाहिए, चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हों। इसके बाद आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए आवेदन डाल सकते हैं और आपको इंस्टेंट लोन जो है मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अपना ID एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, अगर आपको हायर लोन चाहिए तो ITR भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अगर आप एक सैलरी प्रोफेशनल हैं तो आपको यहाँ पे अपना सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 मंथ का आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो सिंपली इस URL के जरिए इस वेबसाइट में जाइए। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जैसे कि लोन अमाउंट और डिटेल्स आ रही है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करिए और आपको यहाँ पे बहुत सारे ये लोन प्रोवाइडर कंपनी सजेस्ट करेगी। आप अपने अकॉर्डिंग टेन्योर, इंटरेस्ट देख के आप वहाँ पे अप्लाई करिए। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल का भी जो है ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपली आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करके कॉल बैक अरेंज करा सकते हैं। लोन कंपेयर इंडिया के थ्रू जो है आपको कॉल आएगा और आपको लोन लेने में आपकी जो है हेल्प करने वाला है ये कंपनी। दोस्तों, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए लोन कंपेयर इंडिया के बारे में। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने माइंड सर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लोन से रिलेटेड अपडेट हमेशा इस चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।